स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला में। आज जो हम पॉलीमर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वे है पॉलीस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीस्टर क्या होता है तो उसके प्रिपरेशन हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसी के साथ यूजेस एंड एप्लीकेशन देखेंगे। तो आपने कई बार आपके फैब्रिक्स या जो भी आप कपड़े वेयर करते हो तो उस पर टैग्स देखे होंगे। तो यहाँ पर एक टैग आपको दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 100% पॉलीस्टर। तो यहाँ पे ब्लेंड भी मिलता है पॉलिएस्टर के साथ, अलग ब्लेंडिंग पॉलीमर भी होते हैं उसके साथ यह फैब्रिक जो है वे बनाया जाता है। जनरल अगर फॉर्मूला की बात करें पॉलिएस्टर का तो इस तरह होता है। तो एस्टर ग्रुप यहाँ पे मल्टीपल होगा इसलिए नाम पॉलिएस्टर है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यह एस्टर ग्रुप और इसी का मल्टीपल यूनिट जो है वे कंबाइन होते हुए हमें यहाँ पे जो पॉलीमर मिलने वाला है उसे हम कहेंगे पॉलिएस्टर। तो इस तरह गारमेंट्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो पॉलीमर है वे है पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे हम जनरली देखते हैं कि कॉमन नाम भी मिल चुका है एक क्लॉथ्स को पॉलिएस्टर कहा जाता है। तो बेसिकली जो पॉलिएस्टर है उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है, उसमें ब्लेंड हो सकते हैं, अलग अलग पॉलीमर की कॉम्बिनेशन हो सकती है। कई पॉलिएस्टर जो फैब्रिक्स होते हैं वे प्योर पॉलिएस्टर फैब्रिक होते हैं। जनरली जो रिंकल फ्री फैब्रिक्स होते हैं वे पॉलिएस्टर के होते हैं और उसी के साथ उनको रिचनेस देने के लिए ब्लेंडिंग किया जाता है कुछ कॉटन और कुछ अदर पॉलीमर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिएस्टर, प्रिपरेशन ऑफ पॉलिएस्टर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिएस्टर। तो इन जनरल पॉलिएस्टर जो है इस कैटेगरी हम कंसिडर करते हुए पॉलिएस्टर जो है वह फंक्शनल ग्रुप से या पॉलीमर इस नाम से जाना जाता है। पॉलिएस्टर मीन्स पॉली मीन्स मल्टीपल, ईस्टर मीन्स ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है वह मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एन नंबर हमें मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे रिपीटेटिंग यूनिट जो है वह होता है ईस्टर ग्रुप। तो ईस्टर ग्रुप रिपीटेटिंग यूनिट के साथ पॉलिएस्टर जो है वे बनता है। अब यहाँ पे पॉलिएस्टर में जो इस ग्रुप है तो वह हमें पता चल गया कि ईस्टर ग्रुप है, वही रिपीट होते जाता है और उसी के साथ पॉलिएस्टर हमें मिलता है। तो जनरल जो पॉलिएस्टर के टाइप है तो वे टू टाइप्स है। वहाँ पे एक टाइप जो है वह होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। इसी के साथ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। इनकी प्रिपरेशन में जो ईस्टर यूज किए जा रहे हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज किए जा रहे हैं उस हिसाब से इनको एलिफैटिक पॉलिएस्टर कह सकते हैं या तो फिर हम कह सकते हैं एरोमेटिक पॉलिएस्टर। और इस एलिफैटिक और एरोमेटिक पॉलिएस्टर में हम देखें तो एरोमेटिक पॉलिएस्टर जो है वे हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कंपेयर टू दी एलिफैटिक पॉलिएस्टर। तो एलिफैटिक पॉलिएस्टर जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट हम कंसिडर करें कंपेयर टू एरोमेटिक, देन इट इज़ लोअर एज कम्पेयर टू द एरोमेटिक। तो एरोमेटिक ईस्टर जो होते हैं उसके पॉलीमर जिनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं और एलिफेटिक के यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। अब पॉलीस्टर जो है हम आज कॉमनली अपने डे टू डे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द फैब्रिक जो सिंथेटिक फैब्रिक्स है वे पॉलीस्टर कंटेनिंग होते हैं। कम्प्लीटली पॉलीस्टर नहीं हुआ तो भी मेजोरिटी ऑफ दैट फैब्रिक्स इज मेड अप फ्रॉम द पॉलीमर दैट इज अ पॉलीस्टर। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी कपड़े यूज़ करते हो उस पर अगर कोई टैग लाइन लिखी होती है तो वह आपको देखनी है और आपको वहाँ पे दिखाई देगा कंपोजिशन क्या होता है। तो आप ज़रूर देखिएगा आपके जो ब्रांडेड टी शर्ट्स हो गए या तो टॉप्स हो गए तो उनमें यह इंफॉर्मेशन जो है वह होती है जनरली। तो वह आपको देखनी है और आपको पता चलेगा कि कितने अमाउंट में पॉलिएस्टर वहाँ पे यूज़ किया गया है। कई बार पॉलिएस्टर का नाम भी वहाँ पे दिया जाता है। तो हम जनरल जो पॉलिएस्टर की बात यहाँ पे कर रहे हैं इट इज़ अ पॉलीस्टर फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे जो ईस्टर है वे अलग अलग हो सकते हैं डिपेंड्स ऑन द एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। यहाँ पे कई अलग अलग पॉलीस्टर मॉलिक्यूल हमें मिल सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे मेनली यहाँ पे दो टाइप्स बता दिए जाते हैं अनसेचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अ सैचुरेटेड। तो इस तरह से पॉलीस्टर जो है वह दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे टाइप देखे थे एरोमेटिक और एलिफैटिक। तो एरोमेटिक की मेल्टिंग पॉइंट जो है वह हाई होती है कंपेयर टू एलिफेटिक। तो फर्स्ट यह पॉलिएस्टर जो है वह कैरोथर्स इन साइंटिस्ट ने 1930 में सिंथेसाइज किया था बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इलिमिनेट होगा जब ईस्टर हम यहाँ पे बना रहे हैं और अगर वहाँ पे अमाइंस है और इस तरह से कंपाउंड है तो पॉली अमाइड बन जाते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए तो पॉली ईस्टर बन जाएंगे विद द एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे एसिड और हाइड्रोक्सी ग्रुप इनकी रिएक्शन होकर हमें पॉलीस्टर जो है वे मिलते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन विच इज रिपोर्टेड इन 1930 बाय कैरोथर
विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दो टाइप देख लिए हमने, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड पॉलिएस्टर जो है वे सिंथेटिक फाइबर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कपड़ों में यूज होते हैं वे होते हैं सैचुरेटेड, दैट यूज इन ऑल्सो यूज इन द फिल्म एंड मोल्डिंग एप्लीकेशन। जो अनसैचुरेटेड होते हुए लैमिनेटेड रेजिन के तौर पे यूज किए जाते हैं, या तो ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक के तौर पे यूज किए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि व्हीकल के जो ग्लास होते हैं, विंड ग्लास जो फ्रंट साइड पे होते हैं, वे जनरली कोटेड होते हैं पॉलीमर से। वे ग्लास जब ब्रेक होते हैं तो फाइनली उनके फाइन पार्टिकल्स नहीं बनते, उनके क्यूब की तरह आपको ग्लास टूटते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें रेनफोर्समेंट की जो फंक्शनलिटी है वे ऐड की जाती है, और इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफिकेशन वहां पे किया जाता है। अब इस पॉलीमर में अगर हम देखें पॉलिएस्टर के कौन कौन से टाइप है, तो यहाँ पे पॉलिएस्टर के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पे पॉली इथिलीन टेट्राफ्थैलेट, तो यहाँ पे थैलिक टेट्राफ्थैलिक एसिड जो है वे एक मोनोमर होगा, और इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वे अनदर मोनोमर होगा, और उनसे बनता है पॉली इथिलीन टेट्राफ्थैलेट। सेकेंड है पॉलीब्यूटिलीन टेट्राफ्थैलेट, तो यहाँ पे ब्यूटिलीन का डायहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और टेट्राफ्थैलिक एसिड जो है वे सेकेंड मोनोमर होगा, और उनके कॉम्बिनेशन से यह इस तरह से पॉलीमर पॉलीस्टर जो है वे बन सकता है। पॉलीएक्रेलेट इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पॉलीस्टर, एंड नेक्स्ट वन इज अ पॉली डायहाइड्रोक्सी मिथॉक्सीएक्रेलेट टेट्राफ्थैलेट। तो इस तरह से अलग अलग पॉलीमर जो है वे यहाँ पे होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पॉलीमर जो यूज होता है वे है पॉली इथिलीन टेट्राफ्थैलेट। इसका नाम है पॉली इथिलीन टेट्राफ्थैलेट, एब्रिवेट किया जाता है PET से। सेकेंड है पॉलीब्यूटिलीन टेट्राफ्थैलेट, एब्रिवेट किया जाता है PTT से, तो PBT से। तो इस तरह से इन दो पॉलीमर का सबसे ज्यादा यूज होता है। द मेजर पॉलीमर विच इज नोन फॉर देयर यूजेस आर पॉली इथिलीन टेट्राफ्थैलेट। तो इस तरह से मोनोमर क्या है, इस हिसाब से पॉलीमर के नाम अलग अलग हो गए। तो पॉलिएस्टर का ही एक पार्ट है पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट। तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट इज रिप्रेजेंट बाय दिस स्ट्रक्चर, हियर इज द एन नंबर एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट द पॉलीमर। तो यहाँ पे पॉलीमर में जो मोनोमेरिक यूनिट या रिपीटिंग यूनिट है वह कौन सा है, तो यहाँ पे होता है यह टेट्राफ्थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप देख सकते हो दिस बेंजीन रिंग हैविंग द टू COH ग्रुप ऑन द बोथ साइड एंड CH2O, और वी कैन से ऑन द बोथ साइड देयर इज अ OH ग्रुप। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें जो मिलने वाला स्ट्रक्चर है वे है पॉली इथिलीन टेट्राफ्थैलेट। तो यहाँ पे टेट्राफ्थैलिक एसिड जो है वे यह स्ट्रक्चर हो गया दिस वन, और जो पॉली इथिलीन है, इथिलीन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट हो रहा है दिस वन, इथिलीन जो रिपीट हो रहा है इट इज फ्रॉम द इथिलीन ग्लाइकॉल, एंड टेट्राथैलिक पार्ट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वे फ्रॉम यह मिलता है हमें टेट्राथैलिक एसिड से। तो देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे की जाती है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जनरल प्रिपरेशन पॉलिएस्टर का क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे अ पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट। तो जनरल प्रिपरेशन की टेक्निक में अलग अलग 5 डिफरेंट टेक्निक हम यहाँ पे देखेंगे। कितने टेक्निक है पॉलीइस्टर बनाने की, तो टोटल 5 डिफरेंट टेक्निक हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड। तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा थीटा, तो इस तरह से हमें CH2 ग्रुप के बीच में और हाइड्रोक्सी ग्रुप और COH ग्रुप में CH2 ग्रुप जो है वे मिल जाते हैं, या तो फिर हाइड्रोकार्बन की चेन जो है वे मिल जाती है। तो इस कंपाउंड का खुद के साथ कंडेंसेशन होने के बाद पॉलीमर जो है वे बन जाता है, उसे हम कहेंगे सेल्फ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख पा रहे हो, दिस इज द रिएक्शन ऑफ COOH एंड दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द अनदर एसिड मॉलिक्यूल। तो दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, लेकिन एक मॉलिक्यूल का COH ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट होगा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वे यहाँ से निकल जाएगा, एंड वी गेट अ फाइनल ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वे निकल जाएगा, एंड व्हाट वी गेट दिस ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह पे यहाँ पे पॉलीस्टर जो है वे हमें मिलते हैं। दिस इज द रिएक्शन ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन। सेकेंड रिएक्शन है कंडेंसेशन विद पॉलीहाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, उसी के साथ पॉलीबेसिक एसिड है,
तो पॉलीबेसिक एसिड का मीनिंग हो गया एक से ज्यादा बेसिसिटी जिस एसिड को होती है तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीबेसिक एसिड। तो यहाँ पे एग्जांपल है ग्लाइकॉल, जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी बोला है तो यहाँ पे टू हाइड्रोक्सी ग्रुप है ग्लाइकॉल में, और पॉलीबेसिक एसिड जो है वे यहाँ पे डायबेसिक एसिड है, डायकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डायकार्बोक्सिलिक एसिड में ग्लाइकॉल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दिस वन इज द एग्जाम्पल वेयर ग्लाइकॉल इज द स्टार्टिंग मटेरियल। तो हमने जनरल ग्लाइकॉल लिया हुआ है आर ग्रुप हैविंग द टू ओएच ग्रुप, एंड सेकंड वन इज द जनरल डायकार्बोक्सिलिक एसिड आर ग्रुप हैविंग द टू सीओएच ग्रुप। तो रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे ओएच ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, इनका इलिमिनेशन होगा माइनस H2O, यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और इनमें कॉम्बिनेशन होगा एंड वी गेट द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो यह रिएक्शन हो गई एक मॉलिक्यूल में, उसी के साथ दूसरे COH ग्रुप की रिएक्शन दूसरे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ होगी। अब इस रिएक्शन को पूरी होने के बाद हमें यहाँ पे जो सीक्वेंस मिलेगी दिस सीक्वेंस, तो यहाँ पे पूरी यह सीक्वेंस मिल जाएगी। अब इसी के साथ पॉलीमर जो बनने वाला है वहाँ पे क्या होगा कि और एक COH ग्रुप जो है वह इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट होगा जो और अदर एसिड से हमें मिलेगा डायकार्बोक्सिलिक एसिड से, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। जो अब डायकार्बोक्सिलिक एसिड का COH ग्रुप बचा हुआ है उसके साथ नेक्स्ट ग्लाइकोल मॉलिक्यूल जो है वह अटैच होगा, एंड व्हाट वी गेट अ पॉलीमेरिक लिंक लाइक दिस, एंड दिस इज द रिएक्शन नोन एज अ कंडेंसेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विद द पॉलीबेसिक एसिड। तो पॉलीइथिलीन टेट्राप्थैलेट और पॉलीब्यूटाडीन टेट्राप्थैलेट आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एंड पॉलीबेसिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है ईस्टर एक्सचेंज। अब ईस्टर एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ईस्टर ग्रुप देख पा रहे हो। अब इन ग्रुप में एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वे निकल जाएगा। दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन। इन द कंडेंसेशन बिटवीन वॉट, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में और ईस्टर ग्रुप में दोनों में कंडेंसेशन है, और यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वे इलिमिनेट होता है। तो फर्स्ट दो रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता था, यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है और हमें पॉली ईस्टर जो है वे मिल जाते हैं। और लास्ट रिएक्शन हम यहाँ पे सेकेंड लास्ट रिएक्शन देखेंगे जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन कंसिडर होती है। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी रिंग सिस्टम में ईस्टर ग्रुप होता है और इस ईस्टर ग्रुप पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन कोई ग्रुप अटैक कर देता है तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाएगी, और रिंग ओपनिंग रिएक्शन होते हुए हमें यहाँ पे पॉलीमर जो है वे मिल जाता है। तो यहाँ पे ईटा कैप्रोलैक्टम तरीके से कंपोनेंट हो सकते हैं। आर ग्रुप हैविंग अ मल्टीपल कार्बन नंबर, तो यहाँ पे एन नंबर हम कंसिडर करते हैं, तो इस रिएक्शन में हमें पॉलीमर जो है वे मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ सम इनिशिएटर। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन फॉर द मेकिंग ऑफ पॉलीस्टर इज अल्कोहोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड डायकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डायकार्बोक्सिलिक एसिड का हमने अगर एसिड क्लोराइड में कन्वर्जन कर दिया है तो अब यहाँ पे इजीली अल्कोहल मॉलिक्यूल या तो डायल जो है या तो हम कहेंगे ग्लाइकॉल जो है वे इजीली अटैक कर पाता है, एंड द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एंड वन Cl गिव्स द पॉलीस्टर फॉर्मेशन। तो फर्स्ट एक ईस्टर रिएक्शन यहाँ पे होगी, सेकेंड ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल यहाँ से अटैक करेगा, सिमिलरली द नेक्स्ट डायकार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है क्लोरिनेटेड या तो हम कहेंगे एसिड क्लोराइड वे अटैक करेगा इस फ्री ओएच पे, एंड सिमिलरली ऑन दिस टर्मिनल। तो इस तरह दोनों साइड से रिएक्शन बढ़ती जाएगी, एंड व्हाट वी गेट अ पॉलीस्टर। तो पॉलीस्टर हमें इस पांच अलग अलग टाइप से मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं पॉलीस्टर फॉर्मेशन में जो हम रिएक्शन कहते हैं कि ग्लाइकॉल और डायमिथिल टेट्राफ्थैलेट में होती है, एंड सिंपली दिस रिएक्शन इज कंसिडर एज अ क्रॉस कंडेंसेशन वेयर द वन मॉलिक्यूल इज अ ग्लाइकॉल एंड सेकेंड मॉलिक्यूल इज अ डायमिथिल टेट्राप्थैलेट। तो इन रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद हमें टेट्राप्थैलिक एसिड के साथ यह रिएक्शन होती है, और डाइमिथिलीन टेट्राप्थैलेट जो है उन्हें हम रिप्लेस करते हैं टेट्राप्थैलिक एसिड से। तो इंडस्ट्री में जो रिएक्शन यूज होती है वे होती है ग्लाइकॉल एंड डाइमिथिल टेट्राप्थैलेट। तो थैलेट जो है वे साल्ट होगा, एंड थैलिक एसिड जो है वे उसके ओरिजिनल फॉर्म में होती है टेट्राप्थैलिक एसिड जो हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन दो पार्ट में पूरी होती है। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है वे देखते हैं हम। इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपन द कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। कंडेंसेशन ऑफ व्हाट, इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए OH CH2 CH2 OH। अब इस रिएक्शन को टू स्टेप में कैरी किया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें क्या होता है, अब फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। It is a condensation reaction where ethylene glycol is allowed to react with the tetraphthalic acid, और इस reaction को carry किया जाता है 280 degree से लेके 285 degree centigrade तक, and इससे हमें मिलता है solid phase polymerization। अब यह हुई first step,
अब सेकेंड स्टेप में यही पॉलीमर जो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मिल रहा है उसे हम कहेंगे ऑलिगोमर। ऑलिगोमर हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑलिगोमर मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर, जिसे हम कहते हैं ऑलिगोमर, जिसकी सेकेंड स्टेप में और चेन ग्रोथ होगी और हमें कंप्लीट पॉलीमर जो है वह मिल जाता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हो, दिस इज द टेट्राफ्थैलिक एसिड, दिस इज द टेट्राफ्थैलिक एसिड। इस एसिड की रिएक्शन हो रही है इथिलीन ग्लाइकॉल से और इस रिएक्शन को कैरी करने के बाद हमें मिल रहा है ऑलिगोमर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वे कम होगा और हम कहेंगे कि कितने यूनिट है ऐसे रिपीटेटिंग टू अराउंड 4 to 2 to 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को होने के बाद कैटलिस्ट यूज किया जाता है, टेम्परेचर जो है 285 से लेके 280 के बीच में रखा जाता है और यहाँ पे सॉलिड फेज पॉलीमराइजेशन जो है वह होता है और इसके बाद हमें पॉलीमर की जो एन नंबर यहाँ पे दिख रही है जो बहुत ही कम है, 2 to 4 ही यहाँ पे मोनोमरिक रिपीटिंग यूनिट हमें दिखाई देंगे, उसमें कंप्लीट पॉलीमराइजेशन होता है और हमें यहाँ पे एन यूनिट का नंबर जो है वह बढ़ते हुए दिखाई देगा। इट इज अराउंड 130 to 150 नंबर। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट जो है वह मिल जाता है इस रिएक्शन से। दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द कंडेंसेशन रिएक्शन कैरिड आउट इन टू स्टेप, फर्स्ट स्टेप द ऑलिगोमर फॉर्मेशन एंड सेकेंड स्टेप द कंप्लीट पॉलीमर फॉर्मेशन थ्रू द सॉलिड फेज पॉलीमराइजेशन। अब जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम पॉलिस्टर की, तो पॉलिस्टर में केमिकल वीकनेस होता है, तो यह केमिकल वीकनेस क्या होता है, द पॉलीमर इज ससेप्टिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस अमीनोलिसिस, मतलब जो ईस्टर बॉन्ड है वे ब्रेक हो सकती है और ब्रेक होने के बाद उसके ओरिजिनल एसिड एंड अल्कोहल फॉर्म में वह कन्वर्ट हो सकती है। अमीनोलिसिस भी हो सकता है, अमोनिया की रिएक्शन अगर होती है तो ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो इस वजह से ईस्टर एक्सचेंज की थर्ड रिएक्शन, इस वजह से चेन जो है वे ब्रेक हो सकती है। तो इस तरह से केमिकल वीकनेस इस पॉलिस्टर में जनरली होता है, लेकिन यह ड्यूरेबिलिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही नॉर्मली यह रिएक्शन नहीं होती, इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए एक सुटेबल कंडीशन यहाँ पे होना जरूरी होता है, हाइड्रोलिसिस हो, अमोनोलिसिस हो या तो ईस्टर एक्सचेंज हो, तो इनमें टेम्परेचर हमें देना होगा और तभी यह रिएक्शन जो है वे कम्प्लीटली हो सकती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलाइज एनवायरमेंट। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है वे इस पॉलिस्टर की जो है वे हाई होती है, इसकी वजह है पोलैरिटी ऑफ ईस्टर ग्रुप और इस कंडीशन के चलते इस पॉलिस्टर को यूज किया जाता है फॉर द इंसुलेशन पर्पस। थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोटॉन एक्सेप्टर, ईस्टर ग्रुप जो है अगर मॉलिक्यूल में होते हैं तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो सकती है और इस इंटरेक्शन के साथ हमें एक स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग मिलेगी जहाँ पे इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर नेचर का बॉन्ड जो है वह बन सकता है और इस प्रोटॉन एक्सेप्टर कंडीशन से जो पॉलिस्टर है उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं बाय दिस क्रॉस बॉन्डिंग, बाय इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इंटरचेन अट्रैक्शन कैसे होता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस रिएक्शन में इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो सकता है। तो इस पॉलिस्टर में जो ईस्टर ग्रुप है इसके वजह से यहाँ पे इंट्रा चेन इंटरेक्शन जो है वो या तो फिर हम कह सकते हैं अट्रैक्शन जो है वे ज़्यादा होती है और इस कंडीशन से यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी जो है वे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इंट्रा चेन इंटरेक्शन और अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी और यह कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती। तो यह हुई जनरल प्रॉपर्टीज। तो अब चलिए देखते हैं एप्लीकेशन, हम स्पेसिफिकली एप्लीकेशन कवर कर रहे हैं पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट को कंसिडर करते हुए। तो यहाँ पे मोस्टली यह पॉलीमर जो है वे यूज होता है टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने के लिए। अब क्लॉथिंग के लिए जो टेक्सटाइल फाइबर हम पॉलिएस्टर के देखते हैं तो जनरली वे पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट के होते हैं। इसी के साथ यह पॉलीमर जो है वे यूज किया जाता है व्रिंकल फ्री गारमेंट्स बनाने के लिए। जिन कपड़ों में सुर्खियाँ नहीं लाती तो उन्हें कहते हैं व्रिंकल फ्री, इनको कोई आयरनिंग की जरूरत नहीं होती है, इजीली ड्राई हो जाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है और क्लीन करना भी आसान होता है। तो ऐसे गारमेंट बनाने के लिए पॉलीथिलीन टेट्राफ्थैलेट का यूज़ किया जाता है। अब इस पॉलीथिलीन टेट्राफ्थैलेट को और यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स में, जहाँ पे पॉलीमर की जो हमें फिल्म दिखाई देती है इट इज़ मेड अप फ्रॉम दी पॉलीथिलीन टेट्राफ्थैलेट। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन हो सकता है डेकोरेटिव कोटिंग्स में, पॉलीथिलीन टेट्राफ्थैलेट जो है डेकोरेटिव कोटिंग में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ पॉलीथिलीन टेट्राफ्थैलेट जो है वह हीट सिंक फिल्म्स में भी यूज़ किया जाता है। अब हीट सिंक फिल्म्स क्या होती है, जनरली कुछ फूड आइटम्स या
कुछ छोटे इक्विपमेंट हो गया, कुछ टॉयज हो गए, तो उनको रैप करने के लिए हम हीट सिंक फिल्म्स का यूज करते हैं। तो हीट सिंक फिल्म्स क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट जो भी है उस पर यहाँ पे उसको सराउंड किया जाता है, और विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट का एप्लीकेशन करने के बाद यह जो फिल्म है उसमें एक श्रिंकिंग मैकेनिज्म जो है वह एक्टिवेट हो जाता है, और श्रिंकिंग होने के साथ ही यह पे जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा उसकी शेप लेके हुए उस पर अटैच हो जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है हीट श्रिंक फिल्म्स। तो जनरली प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यह यूज़ किया जाता है, फॉर दी ऑर्नामेंट होगा, टॉयज होगा, या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उनमें यूज़ करने वाला हीट श्रिंक फिल्म जो है वह जनरली पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट का ही होता है। मेजोरिटीली जो ट्रांसपेरेंट आप ब्यूरेजेस देखते हो, बॉटल्स देखते हो, तो वे जनरली वाटर बॉटल्स जो देखते हो वे पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट के होते हैं। पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट PET अगर लिखा होता है और ऐसा सर्कल दिया होगा, पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट, और इस तरह से ट्रायंगल दिया होगा, तो आप देख सकते हो दैट बॉटल इज मेड अप फ्रॉम द पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट एंड रिसाइक्लेबल, रिसाइकल हम उसे कर सकते हैं। ऐसे लोगो हम आप बॉटल के नीचे देख सकते हो जिसमें पॉलीमर की इंफॉर्मेशन दी होती है। जो वाटर बॉटल्स हम यूज़ करते हैं जनरली वे पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट के होते हैं, उसे के साथ कई कोल्ड ब्यूरेजेस जो हम यूज़ करते हैं तो उनको भी इसी तरह से पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट के बॉटल में रखा जाता है। तो यह पिक्टोरियल फॉर्म है जो पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट का एप्लीकेशन दिखाता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स में पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट का यूज़ होता है, उसी के साथ असॉर्टेड कंटेनर्स जो है वह उन बनाने में भी पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट का यूज़ होता है। फॉर द पर्पज ऑफ वॉल इंसुलेशन पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट इज यूज, दो वॉल्स है उसके बीच में इंसुलेशन के तौर पे पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट का यूज होता है, जिससे हीट का जो कंडक्शन है वह नहीं होता। अगर अंदर टेम्परेचर कूल है तो बाहर हॉट होगा तो उसमें एक्सचेंज नहीं होगा, तो कम से कम एनर्जी सेविंग के लिए ऐसे तरह के इंसुलेशन जो है वे वर्क करते हैं। तो इनको बनाने के लिए पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट यूज किया जाता है। माइक्रोवेव ट्रे आपने देखे होंगे, तो यह स्पेसिफिक होते हैं, माइक्रोवेव में कोई ऑर्डिनरी ट्रे नहीं यूज़ किए जाते, ऐसे ही ट्रे यूज़ किए जाते हैं जो माइक्रोवेव फ्रेंडली हो, तो वहाँ पे पॉलीइथिलीन टेट्राफैलेट जो है वे यूज़ किया जा सकता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द हीटिंग ऑफ फूड्स। उसी के साथ फ्रूट कंटेनर्स में आपने देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स जो कंटेनर में आते हैं, इट इज़ आल्सो मेड अप फ्रॉम द पॉलीइथिलीन टेट्राफैलेट। ऐसे कीवी के फ्रूट्स आपने देखे होंगे, कई तरह के फ्रूट के पैकेजिंग के लिए जो कंटेनर होते हैं टेम्पररी यूज किए जाते हैं, इट इज मेड अप फ्रॉम द पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट। अलॉन्ग विद दैट अ मेजर पार्ट ऑफ पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट इज यूज इन द सिंथेटिक क्लॉथ्स, जिसमें कई गारमेंट जो है वे पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट से बने होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट कारपेट जो यूज किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ओरिजिनल कारपेट, जो बुनाई होती है वैसे ही हमें वो एक कारपेट दिखते हैं लेकिन क्लीनिंग में ईजी होते हैं, डस्ट कॉच नहीं करते, ऐसे कारपेट जो है वे बने होते हैं पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट। तो पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट मैंने कहा था कि इट इज अ रिसाइक्लेबल, पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट इज अ कंसिडर टू बी द रिसाइक्लेबल पॉलीमर। तो इस तरह से वन नंबर उसे असाइन किया गया है फॉर देयर इंडिकेशन, एंड द सिंबल इंडिकेट द रिसाइक्लेबिलिटी। तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट के एप्लीकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। द पॉलीथिलीन टेट्राफैलेट इज नथिंग बट द पॉलीस्टर, दिस इज द वन ऑफ द पॉलीस्टर। तो इसी के साथ अलग अलग पॉलिस्टर है वे भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन को दोहराते हुए। उनकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग हो सकती है, तो यहाँ पे हम यह पॉलीस्टर का जो पार्ट था पॉलीमर का वे कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ यह लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पॉलीस्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल चुकी होगी, और कुछ डाउट्स होंगे तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।